नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। तो ये तस्वीरें आपने देखी करनाल के असंध में इनेलो और बीएसपी का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुँचे थे और कार्यकर्ताओं से जान लेते हैं कि क्या कुछ उनके मन में है, किस तरह देखते हैं इनेलो और बीएसपी, क्या कुछ रहने वाला है। गठबंधन हुआ है चुनाव में, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है आगामी विधानसभा हरियाणा में। चौधरी अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बहन मायावती के सहयोग से, और बहुत ही बढ़िया अच्छे रिजल्ट होंगे इसके गठबंधन के। क्यों लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी भी अपना दावा कर रही है, बीजेपी अपने दावा कर रही है, हालांकि देखा जा रहा है लोकसभा बीते चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ बीएसपी और इनेलो को? देखो, ताऊ देवीलाल की छवि बहुत बढ़िया हरियाणा के अंदर, उसके साथ जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज बहुत ज़्यादा है और वो उसका साथ मिल रहा है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सरकार बनने जा रही है। किस तरह देखते हैं बाबूजी, आम आदमी पार्टी भी लगातार हरियाणा में कार्यक्रम कर रही है और कई तरह की गारंटियों की बात की जा रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इलाज फ्री दिया जाएगा, शिक्षा फ्री जाएगी। इनेलो और बीएसपी को कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं? इनेलो का बढ़िया रहेगा हरियाणा में, बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। क्यों, क्या कारण मानते हैं आप? दोनों मिल गए हैं, बहुजन और वोट बैंक बहुत बढ़िया, मजदूर किसान सारा इकट्ठा हो गया, बहुत बढ़िया रहेगा। तो लगता है मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि पार्टियां मैदान में है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। बिल्कुल मुकाबला आ जाना पूरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस जगह पे देखते हैं इनेलो और बीएसपी को, क्योंकि सामने काफ़ी मजबूत पार्टियां हैं दोनों ही? देखो जी, ऐसा है, बीजेपी के 10 साल के राज से लोग दुखी हैं, एंटी कंपेंशन को जा रहा है। अच्छा, कांग्रेस अपनी फाड़ में है, उनका अपना गुटबाजी है। तो यहाँ अब लोकदल और बीएसपी मिलकर सारे इकट्ठे होकर ये सरकार बनाएंगे। लगता है कि 90 की 90 विधानसभाओं पर जो है कैंडिडेट मिलेंगे इनेलो और बीएसपी को? 90 की क्या, या तो 10-10, 20-20 जने हैं टिकट मांगने वाले दोनों पार्टियों की तरफ से। आप तो कह रहे हो कि मिलेंगे, यहाँ तो नॉमिनेशन करने वाले ही इतने हैं, 10-10 हैं एक एक हल्के में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरह देखते हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लगातार अब राजनीतिक पार्टियाँ लोगों के बीच में पहुँच रही है, कई तरह के लुभावने वादे भी करते हुए नजर आ रही है? ऐसा है, ताऊ देवीलाल की जो छवि है, जो ताऊ देवीलाल का व्यक्तित्व है, वो हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोगों को पता है। भी इन्होंने जो वादा किया है वादा पूरा किया जाएगा। जो 100 रुपये पेंशन थी, जो अपना गरीब लोगों के लिए मकान थे, 100 गज के प्लाट थे, वो दिए, अगर वादा किए तो दिए हैं। अब भी जो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा ने जो वादे किए हुए हैं वो पूरे किए जाएंगे सरकार बनने के बाद। क्या क्या वादे लगते हैं आपको, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपने गारंटी की बात कर रही है, बीजेपी भी लगातार लोगों के बीच में है, कांग्रेस भी लगातार लोगों के बीच में है? हमारे जो इंडियन नेशनल लोकदल के वादे हैं, जैसे 7,500 बुढ़ापा पेंशन है वो दी जाएगी, वो दी जाएगी। ऐसा नहीं भी सिर्फ वादा है, वो वादा नहीं है, वो सरकार आने के बाद काम किया जाएगा। 100 गज के प्लाट बोला है अभय सिंह चौटाला साहब ने और इंडियन नेशनल लोकदल की कार्यकर्ता ने, वो दिए जाएंगे। यहाँ झूठा वादा नहीं होता कोई भी। और लोग हैं कुछ बुजुर्ग, ताऊ जी हमारे साथ। ताऊ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज नेताओं को सुनने पहुँचे हैं, किस तरह देखते हैं अब चुनाव नज़दीक है विधानसभा के? जम्मू बढ़िया देखते हैं भाई जी, और देश का पूरा पढ़ने वाले यही हैं, नहीं और तो बाकी ठग हैं। इनेलो एसपी है, बीएसपी है, या देश ने कमा के खड़ा नाली ने मार पे मजे ले रहे हैं, जो से दिल्ली बैठे डाकू हैं, मारे पे मजे ले रहे हैं, मारे बनया है कुछ नहीं इस देश में, कमा के हम खड़ा हुआ मार पे गंडासा दे रखे है। तो लगता है सरकार बना पाएंगे हरियाणा में? हाँ, जमा खुली सरकार आओगी, और तो कुछ बखते फिर जाओ, सारी जनता मारी है। हाँ, कितने समय से जुड़े हुए हैं आप पार्टी से, कौन सी पार्टी से? मैं तो भाई बुढ़ा ही हो लिया मैं तो, अरे जिस जनता देवलाल का नाम सुना था उसे जनता हूँ मैं तो, और मेरा बाप भी इसे में था, वो गुजर गया बेचारा, 110 साल का हो गया।
कुछ और युवा कार्यकर्ता है हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा वर्ग है, हालांकि अलग अलग पार्टियां हैं, युवाओं की पसंद बनती है, आपने क्यों ही इन्हें देखिए? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को देखते हुए, उनकी नीतियों को देखते हुए ताऊ देवीलाल के अनुसरण में, तो जैसे जो भी सत्य ऐसे ही नहीं बोलते चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, जो बोल दिया समझ लो कर दिया, इनको देखते हुए हम इस पार्टी को ज्वाइन किया हमने, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा आने वाले समय में। जैसे आप बोल रहे थे सैकड़ों की संख्या में, आपको करेक्शन कर दूं, हजारों की संख्या में आप देखो अंदर जाके, बहुत कार्यकर्ता आज साथी आए हुए हैं। तो लगता है सरकार बना पाएंगे? 100% सरकार बनेगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अच्छा, तो बहुमत हासिल होता है तो युवा हैं आप, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? देखिए युवाओं को सबसे पहले प्रेफरेंस यही है कि सभी युवाओं को नौकरी मिलेगी, अगर बाई द वे कोई भी रह जाता है उसको 21,000 रुपये बेरोजगार भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पहले ही साफ कर दिया। तो ये थे हमारे साथ इनेलो और बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं जो है आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने इस बार जीत का सहरा किसके सर बांधा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी लोगों के बीच में जाकर लुभावने वादे करते हुए जरूर नज़र आ रही हैं। करनाल के असंध से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।